हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक आपको बताया था, सेम एज इट इज था, जिसमें हम लोग के तीनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने नोटेड किया ऑलरेडी, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में जो हमारा है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है क्योंकि हम लोग एडमिशन में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिटायरमेंट हो वहां भी, डेथ हो वहां भी। तो हम लोग जब एक कॉमन अकाउंट्स को जब इतने चैप्टर्स में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनके कॉमन ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा जिससे कि आपको ये पूरा फॉर्मेट एक बार में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है, पोस्टिंग में अगर आप मिस्टेक कर दिए तो वहां पर आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ये फॉर्मेट आपके बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हम इसे ट्रिक के थ्रू समझेंगे जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में आपको एक टेक्निकल चीजें सिखाई है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, जैसा कि डेबिट साइड में मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, डिक्रीज का साइन है, ये हमारा एरो नीचे मींस डिक्रीज है, ये तो एज इट इज आपको क्लियर होगा। सो डिक्रीज इन एसेट्स है एंड क्रेडिट साइड में देखिए इंक्रीज इन एसेट्स नोट हुआ है। इसी तरह से डेबिट साइड में इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड क्रेडिट साइड में डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इन द डेबिट साइड एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन द क्रेडिट साइड। इसके बाद से हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं, ये तो इजी पैटर्न हो गया। बट क्या होता है, फॉर्मेट को लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कई बार मिस्टेक से इंक्रीज इन एसेट्स को जो हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं, हमने गलती से डेबिट साइड में नोट कर दिया। बट ये गलतियां ना हो, इसके लिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ट्रिक है कि आपको जैसा फील हो रहा है वही चीज आप अपने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड के आप सारे अकाउंट्स को पढ़िए और पढ़कर आपको क्या फील हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, बस इतना आपको सोचना है। क्योंकि आपके एक हैप्पी फेस और एक सैड फेस से मैं ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा और आपको सिर्फ सोचना है। तो जैसे चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमने एसेट साइड नोट किया है विच इज डिक्रीजिंग, तो अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार हम दुखी हो गए हैं, अब तो हमारा एसेट्स कम हो गया है। एसेट्स कम होगा किसी की भी तो जाहिर सी बात है, दुखी होंगे। उसी तरह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ओह लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, पहले 100 रुपए पे करना था अब 200 रुपए पे करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, फिर हम दुखी हो गए तो भी हम डेबिट साइड में आ गए। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मीन्स एक खोई हुई लाइबिलिटी थी, मतलब जो हमने अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था वो हमको मिल गया। पता चल रहा है कि एक राम नाम का क्रेडिटर्स है और वो आगे कह रहा है कि मुझे पैसा दो, तो फिर जब हमने उसकी चेकिंग किया तो फिर हाँ पता चला कि हाँ राम नाम का एक क्रेडिटर्स है या फिर कोई एक्सपेंडिचर है जो हमको पे करना था और हमने पे नहीं किया, तो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमें मिल गई क्वेश्चन में। तो ये भी हम जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अरे हमको लाइबिलिटी मिल गया पेमेंट करने के लिए, नहीं मिलता तो पेमेंट नहीं करना पड़ता, पैसा बचता ना फर्म में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसी तरह से क्रेडिट साइड की अगर चीजें हम पढ़ें, एसेट्स इंक्रीज, वाह हमारे पास 100 रुपए जेब में था अब 200 रुपया हो गया, एक घर था 2 घर हो गया, मींस एसेट्स इंक्रीज हो रही है हमारे बिजनेस में। जब भी एसेट्स हमारे इंक्रीज होंगे तो वहां पे क्या होता है, हम क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। और ये वही लॉजिक आपको लगाना है जो कि आप अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करके लगाते थे, ठीक है। जैसे कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो जब भी बिजनेस में लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो डेबिट, प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है तो क्रेडिट में। तो इसी तरह से एसेट्स इंक्रीज हुआ क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया, अरे वाह पहले हमको 100 रुपए पे करना था अब सिर्फ 10 रुपए पे करने हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो जितना अमाउंट डिफरेंस आएगा वो सारी चीजें हम दिखाते चले जाएंगे। फिर इसी तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो जैसे एक लाइबिलिटी खोई हुई थी उसी तरह की एसेट्स मिल गई, एक कंप्यूटर रखा हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, कंप्यूटर मिल गया, मोबाइल खोया हुआ था मिल गया, एक डेटर्स आके कह रहा है कि ये पैसा ले लीजिए, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गए। तो ये है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और इधर नोट कर देते हैं हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यानी कि हम इसको आप एक शॉर्ट लैंग्वेज में अगर आप बताएं तो जब भी आप कोई भी अकाउंट पढ़कर दुखी हो जाइएगा, ऐसे समझिए, ठीक है ना, आप दुखी हो गए तो आप हमेशा डेबिट साइड में नोट करेंगे। ये सारे अकाउंट देखिए आपको दुखी ही करेंगे, इनमें से कोई भी आपको खुश नहीं करेगा। लेकिन इसी तरह से अगर आप कोई भी अकाउंट पढ़िए
और उसको पढ़ने के बाद आपको खुशी होती है, चेहरे पर हंसी आ गई, तो क्या हुआ, ये सब हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि ये फॉर्मेट के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। आपको सिर्फ ये सोचना है, अकाउंट पढ़ा, पढ़ने के बाद आप इमेजिन करिए कि आप खुद वो बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन होने के नाते आप जब कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे या कोई भी एडजस्टमेंट पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको अंदर से खुशी हुई, तो जैसे ही खुशी हुई आपको बीइंग एंड बिजनेसमैन तुरंत समझ लीजिए क्रेडिट साइड में जाना है, और पढ़ने के बाद जहां आपका मन उदास हुआ तो तुरंत समझ जाना है कि डेबिट साइड में आना है। तो एकदम ये सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा, आपको फॉर्मेट याद करने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद से बैलेंसिंग कर लेते हैं, डेबिट साइड में पैसा कम पड़ेगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड क्रेडिट साइड में कम पड़ेगा तो लॉस ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बात याद रखिएगा, या तो क्वेश्चन में हमारे प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मीन कहने का क्या है कि पैसा या तो डेबिट में कम पड़ेगा या तो क्रेडिट में कम पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों जगह कम पड़ जाएगा, एक ही जगह ना कम पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर लॉजिक लगाना है, बैलेंस निकल गया। तो ये प्रोसीजर हमारा है कि जब हम एडमिशन पढ़ते हैं, रिटायरमेंट पढ़ते हैं, डेथ पढ़ते हैं, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिटायरमेंट है तो लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से कुछ अकाउंट बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमेशा एक पॉइंट फंसता है जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री नहीं याद होती है। जर्नल एंट्री कैसे याद करें, तो जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक सिखाए हैं। जैसे कि यहां पर हमारा जो जर्नल एंट्री के लिए ट्रिक आएगा वो क्या होगा, अगर मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डिक्रीज इन एसेट्स है, तो लॉजिक क्या लगेगा, अगर डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड में है तो जर्नल में ये क्या होगा, मैंने कहा था जस्ट ऑपोजिट, मतलब कि क्रेडिट साइड में। तो अगर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जब डेबिट साइड के लेजर की कोई भी चीजें हम जर्नल एंट्री में पोस्ट करते हैं, तो जिसका लेजर बन रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो हमेशा क्या होगा, डेबिट। और अगर क्रेडिट साइड के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो रिवैल्यूएशन हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये किस साइड लिखा है, डेबिट साइड। तो इस ये तो अपोजिट साइड हो जाएगा, मतलब कि ये जर्नल के क्रेडिट साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि ये लेजर के डेबिट साइड में है। तो डेबिट क्या होगा, जिसका लेजर है रिवैल्यूएशन। तो देखिए यहां पे एंट्री क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स। अब जो भी एसेट्स डिक्रीज हुई है सब लिख लीजिए, तो डिक्रीज इन एसेट्स हो गया, या फिर अब हम इसी में और ऐड करते चले जा रहे हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया क्वेश्चन में, या फिर आपके क्वेश्चन में अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाती तो वो भी दिखा देंगे। अब देखिए कितना सिंपली हमारा जर्नल एंट्री यहां प्रिपेयर हो गया। और अगर हम इस साइड के लिए बात करते हैं क्रेडिट साइड के लिए, तो ये सारी चीजें अगर क्रेडिट साइड में है तो डेबिट क्या हुआ है, ये सारे अकाउंट, और क्रेडिट हुआ हमारा रिवैल्यूएशन। जैसे कि इनके लिए जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, ये सारे अकाउंट्स हमारे डेबिट हो जाएंगे, मींस इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके बाद से हम प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए एंट्री पास कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी क्वेश्चन में, ये प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में नोट हुआ है, ट्रांसफर कहां हो रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि चेन तो यही है कि पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर इसके बाद से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पैसा है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल का किस में ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी ये दोनों किस साइड है, डेबिट साइड है। तो अगर एस कैपिटल और बीस कैपिटल अगर डेबिट साइड में है तो जर्नल में किधर जाएंगे, ये ऑटोमेटिक आप कह देंगे आप क्रेडिट साइड में, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट। तो डेबिट क्या होगा, जिसका लेजर, यानी कि इसके लिए एंट्री पास हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। हमने दो पार्टनर इमेजिन कर लिया है, ए एंड बी, ठीक है, जो भी पार्टनर क्वेश्चन में होंगे इतना तो आप जान ही रहे हैं, तो ए एंड बी हमने क्रेडिट कर दिया। और अगर यही लॉस के लिए एंट्री करते तो ये पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट, मींस ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में सॉल्व हो जाता है जर्नल एंट्री सारे। तो इस तरह से हमारा देखिए रिवैल्यूएशन एकदम इजी पैटर्न में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
इसमें अगर आप किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट और फिर इससे इनकी जर्नल एंट्री। सो स्टूडेंट्स, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड मैंने आपको जर्नल एंट्री भी शो कर दिया। अब हम आते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टॉपिक पे। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जब टॉपिक आएंगे तो अब हमें ये चूज करना पड़ेगा कि हम आपको एडमिशन से रिलेटेड बताएं या फिर रिटायरमेंट या फिर डेथ। तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट तो सभी में आपके लिए सेम रहेगा, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होने वाला है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसका सारा सेम रहेगा, बस एक पॉइंट चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अब चूंकि अभी हमारा ये एडमिशन का चैप्टर चल रहा है तो हम आपको एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक बता देंगे और जो चेंजिंग होगा वो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, जिससे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर हमने एडमिशन का कंडीशन पहले मान लिया कि हम ये एडमिशन के बेसिस पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताने वाले हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट लेंगे जब भी, तो यहां पर ये एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन में ए और बी हमने डिवाइड किया तो ये तो ओल्ड पार्टनर ही है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन अगर एडमिशन का कंडीशन है तो एक पार्टनर इन भी तो होगा, क्योंकि वो अपने साथ गुडविल लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, तो उसके लिए भी हम लोग जर्नल एंट्री यहां पर पास करेंगे। तो अब यही कंडीशन यहां पर बन जाएगी। तो यहां पर चलिए, जैसा कि हम यहां पर पहले फॉर्मेट देख लेते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, और मैं ये स्टेप छोड़ दे रहा हूं आपके लिए जो मैं यहां पर सिंपल से टेक्निक सिखाऊंगा। तो ज्यादा नहीं हमारा बड़ा फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, हमने यहां पर एक माइक्रो सकॉलम पर्टिकुलर के लिए ये एक पार्टनर, ये दूसरा पार्टनर, और इसी में हम एक और मार देते हैं कॉलम, जिससे कि ज्यादा हमें स्पेस की जरूरत ना पड़े फिर ये पर्टिकुलर, क्योंकि अमाउंट तो अभी हमारे पास है नहीं, अमाउंट तो हमें फिल करना ही नहीं है, तो हमने बस एकदम माइक्रो माइक्रो कॉलम सारे ये बना लिए। अब इसके बाद से हमारा जो कंडीशन आएगा वो चेक कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये हो गया पर्टिकुलर, पर्टिकुलर ए बी और सी वो नया पार्टनर है जो हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है, तो हमने मान लिया सी एक नया पार्टनर हमारे पास क्वेश्चन में है। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं आपको एक चेन बताता हूं, उसी चेन को फॉलो करिएगा ना तो आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और ना ही कोई पॉइंट आपका छूटेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा देखा गया है कि बच्चों को सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन पॉइंट मिस हो जाने की वजह से उनके आंसर मैच नहीं होते हैं, बैलेंस शीट नहीं मैच करेगा तो यानी क्वेश्चन गलत आपने कहीं ना कहीं किया है, तो वही चीजें ना हो स्टेप गलत। तो आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मैं आपको एक स्टेप बताता हूं। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या शो करते हैं ये पहले बताइएगा। तो आप कहेंगे सर तुरंत हम बैलेंस बीडी शो करते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले शो करते हैं बाई बैलेंस बीडी, और बीडी में किसका कैपिटल आता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है, न्यू पार्टनर का तो कैपिटल आएगा ही नहीं यहां पे, क्योंकि न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है तो एंट्री हो जाएगी एक और बाई बैंक या फिर कैश अकाउंट। अब चेक से लेकर आया है तो बैंक, कैश में लेकर आया तो कैश, और वो दिखा देंगे हम अपने इस पार्टनर के कॉलम में सी जो नया लेकर आया है। दो स्टेप हो गया। अब इसके बाद से हम क्या दिखाते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। तो हम यहां पर जस्ट अगर आपको कहे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले आपने कौन सा अकाउंट बनाया तो आप तुरंत कहेंगे सर रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है और लॉस है तो दोनों में से कोई एक ही होगा क्वेश्चन में, तो जो भी आया है क्वेश्चन में उसकी कर देंगे हम क्रॉस पोस्टिंग। मतलब कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में, मींस बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट बैलेंस है वो दिखा देंगे, और वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा। देखिए जैसे कि ए और बी, तो ए और बी के कॉलम में ही सिर्फ दिखा रहे हैं, सी में नहीं दिखाएंगे। फिर इसी तरह से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आगे, नेक्स्ट कंडीशन कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को शो कर दिया, अब इसके बाद से क्या शो करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में लॉस होता तो जैसे कि मैंने देखिए बताया प्रॉफिट है तो इधर आ गए, और अगर यही लॉस होता क्वेश्चन में तो क्रेडिट साइड था तो इधर आ जाएंगे डेबिट साइड में। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद से क्या आता है, तो यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होता है बच्चों का जो आपको नहीं होना है। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व का, जिसमें कि मैंने ये बताया है
कि बैलेंस शीट के ऐसे कौन कौन से डाटा हैं लायबिलिटी एंड एसेट साइड के जो कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से पहले वो वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा उसके लिए। तो वो चीजें हैं क्या, तो जैसे कि देखिए, अगर पहले मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, मैं यहां पर अभी शॉर्ट में ट्रिक नोट करूंगा। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखते रहिए लगातार, बीच में बिल्कुल भी मिस ना करिएगा ना स्किप करिएगा। तो इधर आ जाएंगे हम बाई बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड की वो चीजें हम डिवाइड करेंगे जो हमने अपने वीडियो में बताया है। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं जैसे लैंग्वेज में कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी से क्या क्या चीजें आएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आएगा जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या फिर प्रॉफिट बैलेंस। इतनी सारी चीजें अगर हैं क्वेश्चन में तो वो सब आ जाएंगी हमारे इस पार्टनर्स कैपिटल में। और वो किस में डिवाइड होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही डिवाइड होगा, न्यू में कभी नहीं। इसीलिए देखिए मैं डैश कर रहा हूं, जहां जहां डैश कर रहा हूं वो सब उस कॉलम के लिए अमाउंट है, तो जिसके लिए जो जो मैंने यूज किया वही चीजें हैं। अब यहां पर जो रिजर्व के टॉपिक है वो सारे हमने यहां पर नोट कर दिए, पार्टनर्स के बीच में मतलब ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिए। अब जिस तरह से लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड में, इसी तरह से इधर आ जाएंगे हम तो टू बैलेंस शीट की एसेट साइड से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होंगी, जैसे लायबिलिटी वैसे एसेट से। तो अब यहां पर एसेट से वो क्या चीजें हैं, तो पहली चीज हो जाएगी आपकी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, किसी भी टाइप का सस्पेंस अकाउंट हो गया वो डिवाइड होगा। दूसरी चीज क्या होती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस, क्योंकि एसेट साइड में तो जाहिर सी बात है वो डेबिट बैलेंस है और लायबिलिटी साइड में तो जाहिर सी बात है वो क्रेडिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस हम लॉस के लिए यूज करते हैं, क्रेडिट बैलेंस हम प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है वो होती है गुडविल। तो जब भी कभी हमारे पास बैलेंस शीट में गुडविल आएगी तो याद रखिएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगी, वो फर्म्स गुडविल हो जाएगी। और इसके अलावा एक एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी होता है जो न्यू पार्टनर लेकर फर्म में आएगा, यानी कि सी, यहां पर सी ही जो है वो न्यू पार्टनर है। ठीक है ना, इसको हम न्यू पार्टनर बता दे रहे हैं। तो सी जो है वो अपने साथ गुडविल या फिर कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, तो उसको भी तो हमें यहां पे शो करना पड़ेगा। तो देखिए कैपिटल के लिए तो हमने शो कर दिया बैंक अकाउंट, जर्नल एंट्री इसकी भी पढ़ाई गई है आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और कैपिटल से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक में मेंशन कर दूंगा। तो यहां पर अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, ये सारी चीजें दिखाने के बाद जो आएगा हमारा टॉपिक वो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम करेंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से हम शो करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में वो डिवाइड होगा, याद रखिएगा। तो जो ये ओल्ड पार्टनर्स हैं इन्हीं के बीच में हम सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो में कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो हमेशा सैक्रिफाइस ही करें, ये जरूरी नहीं है। तो आप पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिएगा, उसके बाद से पोस्टिंग करिएगा, ये देखिएगा कि कौन सा ओल्ड पार्टनर है जो सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, इस पे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिखा दिया, और अगर किसी पार्टनर ने गुडविल का कुछ अमाउंट विथड्रॉ किया है तो उसको हम डेबिट साइड में शो कर देंगे, इसके लिए भी जर्नल एंट्री बताया गया है। और लास्ट में हम शो करते हैं टू बैलेंस सीडी, और इस सीडी के बैलेंस में फिर हम कैपिटल इनके शो कर देते हैं, और ये हम अपना पूरा कॉलम बंद कर देंगे और फिर टोटल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल सा चेन बता देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि आप क्वेश्चन को एकदम इजी वे में सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी, मतलब कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल, देखिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। इसके बाद से हम क्वेश्चन में क्या दिखाते हैं, न्यू पार्टनर का कैपिटल किस नाम से, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट के नाम से। ठीक है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के नेम से ही तो दिखाएंगे, या तो वो पैसा चेक में लेकर आएगा या तो कैश में लेकर आएगा या तो नहीं लेकर आएगा। ठीक है ना, तो नहीं लेकर आएगा तो बैंक अकाउंट नहीं दिखाएंगे, कैश अकाउंट नहीं दिखाएंगे, लेकर आएगा तो दिखाएंगे। ठीक है ना, यही कंडीशन है। अगर न्यू पार्टनर लेकर आएगा तो दिखाएंगे, नहीं लेकर आएगा तो स्टेप खत्म हो जाएगा यहीं पे। इसके बाद से क्या होता है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो इस साइड, लॉस है तो इस साइड। ठीक है,
ये हो गया बैलेंस हमारा। अब इसके बाद से रिवेल्यूशन अकाउंट जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो क्या दिखाते हैं, तो मैंने जस्ट कहा आप बैलेंस शीट पे आ जाइए, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी दिखा दीजिए और फिर बैलेंस शीट का एसेट साइड शो कर दीजिए। ये दो चीजें, मतलब कि जो जो चीजें मैंने बताया है, पूरा एसेट साइड नहीं, ना ही पूरी लायबिलिटी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो जो चीजें बताई गई कि पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होंगी ही होंगी, वो एडजस्टमेंट में नहीं नोट होगा, ठीक है ना, वो आपको बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो आप याद करिएगा कि सर ने क्या क्या चीजें बताया था, तो लायबिलिटी साइड से रिजर्व, अच्छा रिजर्व है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी आते हैं, मैं आपको उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद लास्ट में हम नोट कर देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मतलब वही प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने कहा, ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाएंगे हम अपना बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सीडी निकाल देंगे जो कि हमने यहां पर निकाला, तो पूरा पार्टनर्स कैपिटल हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप इजीली बाद में अच्छे से इसको नोट कर सके। ये सब चीजें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और जिसमें हमेशा कहीं ना कहीं बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने सबके एक छोटे छोटे ट्रिक्स बनाए हुए हैं। तो यहां पर हमारा रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये कंडीशन फॉलो हो गए। अब यहां पर जो आएगा बैलेंस शीट का टर्म, तो बैलेंस शीट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट तो आप लोग मुझसे अच्छा जानते होंगे। तो बैलेंस शीट की बात करते हैं जब हम, तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी सभी को पता है लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है। अब जो हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट, मैं एक ही पॉइंट बताऊंगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओल्ड बैलेंस शीट में जितनी चीजें हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई हैं, ओल्ड बैलेंस शीट मतलब कि क्वेश्चन का, तो मैं एक लैंग्वेज यूज करूंगा, क्वेश्चन का बैलेंस शीट, तो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जितने भी डाटा बैलेंस शीट में आए हैं उन सबको मैच करते हुए हम अपना न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं हम कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया है कैपिटल, ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल पे बता रहा हूं कैपिटल, तो ये कैपिटल किसकी कैपिटल होती है, पार्टनर की, और यहां पार्टनर की कैपिटल अब जो ओल्ड बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट नहीं, न्यू बैलेंस शीट में मतलब न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल कौन सी है, यही जो तीनों पार्टनर का हमने शो किया है, तो ए बी सी नाम से यहां पर उनकी कैपिटल शो कर देंगे। ये सब क्वेश्चन जब मैं लगाऊंगा तो आपको यहां पर सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमारा फॉर्मेट का टर्म है, तो कैपिटल शो कर दिया। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में अगर कभी भी जो भी डाटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, मतलब कि जैसे कि रिजर्व जो मैंने बताया ना कि लायबिलिटी साइड से आप देखिएगा जो जो चीजें उसको डिवाइड कर लीजिएगा, एसेट साइड से देखिएगा जो जो चीजें हैं उसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो याद रखिएगा जो चीज एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गई वो फिर बैलेंस शीट में नहीं आएगी। मतलब कि क्वेश्चन के बैलेंस शीट में अगर रिजर्व है, प्रॉफिट है, और एसेट साइड में उसकी गुडविल है कोई, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अकाउंट है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो वो न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस सीडी में वो इंक्लूडेड है, तो आपको दोबारा नहीं दिखाना है जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल में एक बार दिखा दिया। पहली चीज क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आपको बहुत जरूरी है समझना कि यहां पर अब इसके बाद से आपको सिर्फ ढूंढना है क्वेश्चन के बैलेंस शीट में क्या लिखा है। जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन के बैलेंस शीट में तो अगर डेटर्स लिखा है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर डेटर्स हैं तो डेटर्स अगर हैं तो क्या वही अमाउंट दिखा देंगे, नहीं। तो याद रखिएगा कि जितने भी एडजस्टमेंट हमने रिवेल्यूएशन अकाउंट पर ये किए हैं, ये जितने भी एडजस्टमेंट हमने रिवेल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड किए हैं, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो ये सारा एडजस्टमेंट फिर से एक बार दोहराया जाएगा बैलेंस शीट में, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई डेटर्स हैं तो डेटर्स की वैल्यू अगर डिक्रीज कर गई है तो बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होंगे, कोई प्लांट एंड मशीनरी उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है तो जो इंक्रीजिंग अमाउंट होगा वो रिवेल्यूशन में तो शो किए होंगे ना हम लोग, तो उस अमाउंट को फिर हम क्या करेंगे अपने बैलेंस शीट में उस प्लांट एंड मशीनरी मिलाकर प्लस करेंगे। मतलब कि जो बैलेंस शीट में डाटा है वो सब आएगा, बस दो एक तरह का डाटा नहीं आएगा, एक तो जो पार्टनर्स कैपिटल में आ चुके हैं वो आएगा नहीं, और दूसरा जो एडजस्टमेंट रिवेल्यूएशन अकाउंट पे किए गए हैं उनको हम यहां पर एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस इतना ही आपको समझना था।
तो यहां पर हमारा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का जो कंडीशन है ये हमारा फॉलो हो जाएगा। अब अगर हमारा क्वेश्चन रिटायरमेंट या डेथ का रहेगा, तो जब मैं रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर आपको रिकॉल करवाऊंगा तो आपका पूरा फॉर्मेट यही रहेगा, बस आपका चेंजिंग कहां होगा, जैसा कि मैंने कहा था आपको, मैं मार्क करके बता दूंगा, पूरा प्रोसेस आपका सेव रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस वहां पर हट जाएगा, रिटायरमेंट में ये प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर जाता है, डेथ में मर जाता है, तो ये सारे कंडीशन सेम रहेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की कंडीशन बस चेंज हो जाएगी, क्योंकि एडमिशन में पार्टनर आता है तो गुडविल लेकर आता है, रिटायरमेंट और डेथ में पार्टनर जाता है तो गुडविल का पैसा लेकर चला जाता है, तो उसके लिए कंडीशन अलग आ जाएगी। फिर मैं वो भी आपको एडिशनल जो जर्नल की ट्रिक हमारी है उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा। तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिक का है आपके सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा सभी के लिए। तो यहां पर हमारा आज का टॉपिक क्लोज होता है। अब आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।